So how do we look? She looks more Indian than you do. Our temporary tire is of no use. Kaise? Work about 12 hours a day, you know. Just... So finally getting ready for Navratri, and this time मैं ये वाली जैकेट पहनूंगा एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये दिवाली पे पहनी थी एंड दिस वन आई गॉट इट फ्रॉम द यूएस. तो शॉपिंग के लिए हम निकलने वाले जल्दी. वी विल गो टू पटेल ब्रदर्स एज ऑलवेज फॉर शॉपिंग एंड इट्स गोना बी हर फर्स्ट नवरात्रि एज वेल. या सो आई वाज वंडरिंग व्हाट्स नवरात्रि अबाउट, व्हाई डू दे सेलिब्रेट इट? आई थिंक सो देयर आर मेनी रीजंस. आई मीन इन पंजाब आई हैव नेवर सेलिब्रेटेड, दिस इज गोना बी माय फर्स्ट टाइम, सो आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट आई कैन जस्ट टेल यू वन रीजन दैट आई नो. So Durga Mata fought the demon. That battle lasted for 9 days. Okay. So that's why Navratri is for 9 days. And you can celebrate, I think, pretty much on the last day or first day. That I'm not sure you guys can tell us. But I can just tell you that the dance Garba is from Gujarat. But Navratri is for 9 days because of the battle. And do people all over India celebrate Navratri, but only people in Gujarat do Garba during Navratri? Is that right? I don't know. Maine apne roommate se bhi pucha. I asked my roommate. I don't know the answers, but comments can tell better. But anyways, let's go. Okay. Yeah. Oh no, lagta hai car tire puncture ho gaya. If you look from the front, you can easily tell it's a flat tire. Oh no. प्रॉब्लम ये है कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक इट्स 7:15 PM. इस टाइम पे पेप बॉयज ऑल द शॉप्स आर क्लोज, सो द ओनली ऑप्शन इज टू वेट टिल टुमारो टू गेट इट फिक्स्ड. चलें शुरू करें. सो टाइम टू फिक्स द कार. देखते हैं कि स्टेपनी है कार में कि नहीं पीछे. सो कार में, हाँ बाहर निकालनी पड़ेगी. स्टेपनी तो नहीं है कार टायर. ये तो है टायर. अच्छा दिख रहा है. आई थिंक इतनी जगह काफ़ी है, रेस्ट ऑफ द कार्स कैन कम एज वेल, तो हो जाएगा. हाँ लाइट ठीक है यार. रात के 8 बजे कार ठीक करनी पड़ रही है क्योंकि कल सुबह जल्दी जाना है. मुझे पता ही नहीं था कि सारा सामान कार में पहले से ही है. मैंने कभी स्टेपनी खोली नहीं कार की, कभी जरूरत नहीं पड़ी. हाँ कैसे करते हैं मुझे भी सिखा. मैंने कभी नहीं किया और सोचा नहीं था कि इतनी रात को करना पड़ेगा, फिर कल सुबह जल्दी आना है. चैसी फील हो रही है. चैसी? चैसी क्या होती है? चैसी वो होती है कार की बॉडी. कार की बॉडी. ओके. ऐसे करके गोल गोल घुमा के फिर टायर को उठाना पड़ेगा. अच्छा हाँ ये चैसी है, हमेशा यहाँ लगाना है, यहाँ कभी नहीं लगाना है. ये तो कार टूट जाएगी राइट. हाँ इतना केयरफुल होना जरूरी है. तो तेरे ख्याल से टायर पंचर है कि हवा कम है? सिर्फ पंचर है यार. पंचर है. ओ तो टायर निकाल के देना पड़ेगा उन्हें और फिर लेना पड़ेगा. और ऊपर भाई अभी टायर हवा से ऊपर आए नहीं. मैं करूं? नहीं भाई अकेले आना चाहिए ऐसी चीजें. लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, हर बार थोड़ी तुझे बुलाऊंगा. अब ठीक है? हवा में. I don't know how to open this. कार्स कितनी फास्ट जाती है. मैं करता हूँ. इसका YouTube वीडियो देखा हो तो देखा हो. तेरे पास डेटा है? मतलब मैं तोड़ना नहीं चाहता यार. हाँ वही हर साइड से इक्वल प्रेशर डालना पड़ेगा. क्या बात है भाई. लेफ्ट की तरफ ही खुलता है, लेफ्ट की तरफ. मैं खोल के दिखाता हूँ. फट खोल देख. इसे ऐसे किया मुझे भाई. ये तो बहुत ज्यादा जम गया भाई. वाह भाई गुरु, भाई गुरु, भाई गुरु. हो जाता है. मुझे पता नहीं था इतना जोर लगेगा पर हो गया. ये मशीन से करते हैं ना ये लोग. हाँ या या बाकी तो खोल. मैं थक गया, बहुत जोर का काम है. तो घोल में आती जैसे चटनी निकालता हूँ. यहाँ पे कहते हैं इसे डोनट टायर.
और अगर वैसे भी यहाँ पे हम दोनों थे तो हम दोनों साथ में करें, नहीं तो यहाँ पे सर्विस होती है AAA की। अगर आप AAA.com पे जाओगे तो दैट्स अ पेड सर्विस। लगता नहीं मैं एक हाथ से निकाल पाऊंगा, बट लेट्स ट्राई। ऑसम, इतना मोटा टायर है यार, मुझे लगा था पतला सा है। आज वह चला कुछ तो है। अच्छा ये क्या है? नॉट श्योर, कील हो सकती है। हीरो सकती है ना, हाथ ना डाल, रहने देखो बाद में। अरे ये टायर को मैंने सुधरवाया था यार, वही वाला दोबारा लीक करा लगता है। अच्छा यही टायर, मैंने इसको रिपेयर करवाया था ना, हाँ वही लीक करा लगता है। तो टायर मतलब लगता है कि फिक्स करवाना पड़ेगा। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी कार का वो ठीक नहीं करवाया, क्या कहते हैं सेंसर, जिससे पता चल जाता है हवा कम है, तो हमेशा साइन चलता ही रहता है कि इस हवा कम है, सो दैट्स व्हाई वी नेवर पेड अटेंशन। तो ऐसा पॉइंट आ गया कि हवा इतनी कम होगी कि ऐसा लग रहा है पंचर हो गया। ठीक है साथ में निकालते हैं, बहुत भारी होगा ये। कितना पतला है ये, तो वही आता है। कैसे कैसी कार चलेगी इससे? इसमें हवा है भी कि नहीं? हवा तो है लेकिन जमीन आसमान का फर्क है, आधा ही साइज है। हाँ आधी है, टेंपरेरी यूज ओनली लिखा है इस पे तो। हाँ टेंपरेरी यूज तो चल जाएगा फिर यार, अगर आज रात बड़े टायर के लिए इसमें व्हील कप लगेगा भी नहीं। शिट क्या हुआ? अ टेंपरेरी टायर इज ऑफ नो यूज। कैसे? देयर इज नो एयर, नॉट इनफ प्रेशर, दिस इज ऑफ नो यूज। व्हाट द अब वापस वही लगा देते, उससे कार चल रही थी। मैं बाकी करता हूँ और AAA को कॉल करता हूँ। So we have AAA here to help us. I have a AAA membership. It costs a certain amount of money a year, and then through that you can have roadside assistance 24/7. That means if you're in an accident, if you get a flat tire, if you lock yourself out of your car, you can call this number at any time throughout the day and they'll come for free and help you. Yeah, and the best part is in their terms they have written your family member can also be covered with yours. So for example, she's covered, she can help me as well. Yeah. So by the way, like how long do you work? How many hours do you work every day? I work about 12 hours a day, you know, just getting people off the road, make sure they get home safe, you know, things like that. I get up at 8:00 in the morning. Wow. I start my shift at 9:45, we gotta be at the bed at 9:45. Get all our batteries, get our equipment and things like that. And then after that, we off saving the world, saving people's life, getting each other up. I do it all, you know, from door locking, from changing tires. I get you guys off on the highway. Other things, if you have a need to test, you know, on your batteries, we do battery tests and also diagnostic. So cool. Yeah, we do a lot. So, you know, it's all for your members and it's all for you guys to get you guys right. To get us back on the road safely. Back on the road safely. Yeah, you came like within like 20 minutes. I was so surprised. Once I get the call, you know, I'm on it. I got to get my members on back on the road, man. Yeah. I got to. Yeah, you were supposed to be home at 10 p.m., but like they call you. So what happened? Like, they called me and they called me at 9:48 and said I had to. Had a customer, a member that needed help, and I just hit the gas and came over here and helped him. Here we are. Oh. Yep. But yeah, I appreciate your hard work. Oh, yeah. And great. Oh, thank yeah. you so much. Yeah. Uh-huh. No problem at all. Uh-huh. So how do we look? Sorry. He looks more Indian than you do. you have just narrow jacket. But this is Western, this is Western. Your shoes are not proper. I mean, shoes is the worst thing out of all those things. But shoes? Yeah, these are hiking shoes. Yeah, look at her slippers. Like you could have worn my that slipper thing. Okay. Basically, Sharamkar. Exactly, Sharamkar. Yes.